जिन भी भाइयों को और माता बहनों को चर्म रोग की समस्या हो या खुजली जलती हो तो आप जो है यह नुस्खा बनाकर यूज कर सकते हो। यह चर्म रोगों के लिए एक काल के समान कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस नुस्खे में हम क्या क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो जड़ी बूटी आपको दिख रही है ये है पवार के बीज, ये पवार के बीज है और ये माली बावची है और ये डंडा गंधक है। इन तीनों का आपको जो है समान मात्रा में लेकर इनका चूर्ण करना है। चूर्ण करने के बाद में आपको जो है इस तरह से चूर्ण बनाना है और इस चूर्ण को जो है हमने नाम दिया है पामाहार चूर्ण। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और यह चूर्ण जो है जिन भी भाइयों को खुजली है यह एक रामबाण का कार्य करता है। और दूसरा हम इसी के साथ में यूज करते हैं एक ददुरहर चूर्ण, ये हमने इसको इसको नाम दिया है ददुरहर चूर्ण। अब इसको बनाते समय हम इसमें क्या क्या मिलाते हैं, हम इसमें मिलाते हैं एक नीला तोता और ये कलमी सो रहा है, यह है स्वागा है और ये गंधक डांडिया है। ये जो है इन चारों को समान मात्रा में लेते हैं या हमारे पास जितनी मात्रा थी हमने उतना लिया है, लेकिन इसको बनाते समय जो है आपको बराबर मात्रा में लेना है और इसके बाद में इसको जो है आपको चूर्ण कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पास में दो तरह के चूर्ण बन जाते हैं, एक जो है पामार चूर्ण है, इसमें कौन कौन से कंटेक्ट हमने डाले हैं वो हमने आपको पहले बताए थे, और ये हमारे पास है ददुरहर चूर्ण। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज करने का तरीका यह है कि आपको जो है लगभग 2 चम्मच इसके लेने हैं और 1 चम्मच इसका लेना है, यानी कि 2:1 में जो है आप इसको लेकर एक कटोरी में ले लीजिए और सरसों के तेल में डालकर इसका मलम बना लीजिए और ऊपर से आपको जो है नींबू की बूंदें डालनी है, 7 से 8 बूंदें डालते जाना है और इसका आपको मलम बनाना है। गौर से एक लेह जैसी एक लुआबदार मलम बन जाएगी और उस मलम को जो है आपको जहाँ भी चर्म रोग है या खुजली चल रही है उसको आपको मसलना है। आपको इस प्रयोग को करते समय इतना सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको यूज करते समय थोड़ी सी जगह भी करना है और उसके बाद में आपको जो है आगे बढ़ाना है, यानी कि 1-2 दिन आपको जो है कम क्षेत्र पे ही कम जगह पे ही जो है इसको मलना है, फिर आपको सूटेबल हो कि हल्का से जलन भी करता है तो फिर आप इसको जो है जहाँ आपको चर्म रोग हो रहा है आप इसको यूज कर सकते हो और इससे आपका जो किसी भी तरह का चर्म रोग है, क्योंकि आयुर्वेद में जितने भी कंटेंट्स हैं वो हमने इसमें मिलाए हैं, एक भी कंटेंट्स जो हमने इसमें छोड़ा नहीं है, इसलिए यह चर्म रोगों के लिए एक माँ औषधि बन जाती है और चर्म रोगों के लिए काल कहलाती है। जय हिंद, थैंक यू।